केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे के चलते सोमवार को जम्मू कश्मीर के गांधरबल पहुंचे और खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे, जिसके बाद उन्होंने शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करने से पहले गृह मंत्री ने ब्लड प्रूफ कवच को हटाने की बात कहा कि वे जम्मू कश्मीर में लोगों से सीधे बात करने आए हैं। बता दें कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के हटाने के बाद अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा था। के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है, इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। कश्मीर का चौमुखी विकास हो। आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर, बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ।